का डेवलपमेंट हो। नगर पालिका में रहने वाले सभी लोगों का सड़कें, रोड, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, इसको मैं दूर करने के लिए और सभी घरों तक विकास करने के लिए मैं चुनाव। जो लोग भाजपा से टिकट मांग रहे थे वो बागी हो गए, निर्दलीय लड़ रहे हैं, उसमें क्या करें? अब देखिए तय हो गया, चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर कार्यकर्ता समझदार है, कार्यकर्ता समझ, जनता भी समझदार है। सब लोग कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, वह पार्टी अध्यक्ष बताए, कमल खिलाएंगे। अनुशासन सर कितना परसेंट लग रहा है कि कमल खिला? हर एक तरफा पूरे राज्य के अंदर बम्पर घोषणा नहीं स्वीकार किया। मेरे पिताजी तब जीवित थे, मेरे पिताजी मुझको जेल पर छोड़ने गए, उनकी आंखें नम हो गई। एक इंस्पेक्टर जो साथ में था उसकी भी आंखें नम हुई। पिताजी ने पूछा, तुम मेरे बेटे को जब जेल छोड़ने आए हो तो तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? तो उसने कहा, क्या करूं, मजबूर हूं। ऊपर की बात थी, वहां के लोगों ने, एक अल्पसंख्यक वर्ग के यहाँ के सांसद थे, उनके इशारे पर मुझे जेल भेजा जा रहा था। वो इंस्पेक्टर की भी आंखें नम थी, लेकिन मजबूर था बेचारा, खाकी पहने हुए था, लेकिन जो उससे कहा गया वो करने के लिए उस समय मजबूर था, मुझे जेल भेजा गया। मेरे साथ श्री रमेश चंद वर्मा, मेरे साथ एक पंडित जी, मेरे साथ एक बहेलिया परिवार की बहुत गरीब महिला, एक शीला गुप्ता जी, इस तरीके से एक शिवेंद्र यादव, इस तरीके से कई लोगों को जेल भेजा गया। 17 दिन मैं जेल में रहा। जेल में जब मैं था तो मुझ पर रासुका लगाने का भी कुछ प्रयास किया गया, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद था, हम लोग उस समय रासुका से बच गए। 17 दिन बाद जमानत हम लोगों को हो पाई। कैसे कितने ही मामले हुए महमूदाबाद में, एक सीबू चौधरी का मामला हुआ जिसने हमारी बहनों के लिए क्या क्या नहीं फेसबुक पर लिखा। हम लोगों ने जब यहाँ रमकुंडा चौराहा जाम किया तब प्रशासन ने उसको जेल भेजा, 1-2 साल जेल में रहा, तबीयत भी उसकी दुरुस्त हो गई होगी। साथियों आपको याद होगा कि एक घटना फतेहपुर में हुई थी, एक राठौर परिवार की बालिका के साथ में कुछ लोगों ने बलात्कार किया, उसका मुकदमा भी पंजीकृत नहीं किया गया, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोगों ने थाने का घेराव किया, उसके बाद में कम उसका मुकदमा लिखा गया, लेकिन फिर भी दोषियों को जो दंड मिलना था वो दंड नहीं मिल सका। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, आप समझते हैं, आप जानते हैं। भारत माता के